तो डियर, आज की सेशंस में हम लोग जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में डिस्कस करेंगे सीपेज प्रेशर के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि परमेबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी कैसे निकालते हैं, अलग अलग सॉइल का अलग अलग मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने का, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात करेंगे सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर वह प्रेशर होता है जो वाटर के द्वारा सॉइल सैंपल पर लगाया जाता है, कब, जब सीपेज एक्वायर किया जाता है उस समय, ठीक है। व्हेन वाटर फ्लो थ्रू सैचुरेटेड सॉइल मास, जब सैचुरेटेड सॉइल मास से इट एग्जर्ट प्रेशर ओवर एक्सकैलेंट बाई वर्च्यू ऑफ फ्रिक्शनल ड्रैग, फ्रिक्शनल ड्रैग के कारण से। तो सीपेज का मतलब क्या, मान लो कि यह सॉइल सैंपल है, ठीक है, यह सॉइल सैंपल है, मान लो कि पानी जो है इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है, पानी जो इधर से फ्लो हो रहा है। अब मान लो कि इसके नीचे जो है क्या हो रहा है, जा रहा है इस तरीके से, या यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन बना दिए, यहाँ पे ये बिल्डिंग बना दिए। अब यहाँ पे यहाँ का जो पानी है ये फ्लो होकर क्या जा रहा है, इधर आ जा रहा है, ये फ्लो होकर इधर आ जा रहा है, फ्लो होकर इधर आ जा रहा है, ठीक है, फ्लो होकर क्या जा रहा है, इधर आ जा रहा है। तो ये जो फ्लो होकर इधर पानी आ जा रहा है यही सीपेज हो गया, ठीक है। If H is hydraulic head under which seepage takes place, then seepage pressure is done. अगर hydraulic head जो है under which seepage takes place, then seepage pressure is done by PS is equal to H gamma W. We know that I यानी hydraulic gradient is equal to H by L is equal to H by Z. ठीक, तो पी एस इज इक्वल टू आई एल गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू आई जेड एच डब्ल्यू। सीपेज फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आई जेड गामा डब्ल्यू इंटू ए, सो सीपेज फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आई गामा डब्ल्यू इंटू वी। तो जो सीपेज एनालिसिस है ये क्या है, व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू सैचुरेटेड सॉइल मास, जब सैचुरेटेड सॉइल मास यानी सॉइल सैंपल से पानी फ्लो करेगा, टोटल हेड एट एनी पॉइंट कंसिस्ट ऑफ प्रेशर हेड, एलिवेशन जिसको डैटम हेड, वेलोसिटी हेड, ये तीनों के किसी भी पॉइंट से, तो वो टोटल हेड होगा। सिंस फ्लो थ्रू द सॉइल मास इज कंसिडरेबली लेस वेलोसिटी हेड, जिसको वेलोसिटी हेड को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, ठीक है। हेंस टोटल हेड कंसिस्ट ऑफ प्रेशर हेड, इसलिए जो है टोटल जो हेड होगा वो कंसिस्ट किया जाएगा कि जो प्रेशर हेड है वो, एंड एलिवेशन हेड। तो टोटल हेड इज इक्वल टू होता है प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड या डैटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड। लेकिन हम लोग जो है वेलोसिटी हेड को क्या करते हैं, नेगलेक्ट करके चलते हैं, जीरो मानकर चलते हैं। तो हमारा टोटल हेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड या उसको डैटम हेड से लिखते हैं। तो एच इज इक्वल टू पी बाई रो जी प्लस जेड। वेलोसिटी हेड को वी स्क्वायर बाई टू जी से लिखते हैं, लेकिन उसको नेगलेक्ट करके हम लोग चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम की मदद से आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो, बट नो नीड, बस इसको आप एक तरीके से ओवरव्यू कर लो कि कैसे जो है हम लोग पी निकाले। अगर मान लीजिए दो अलग अलग सेक्शंस का निकालना है तो जो है अलग अलग सेक्शंस के लिए जो हम लोग यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो ये जो फिगर है यहाँ पे आप देखोगे, है ना, यहाँ पे ये पॉइंट है, मान लो कि ये पी ए है ना, उसके बाद है ये पी बी और ये पॉइंट सी। तो ये सॉइल सैंपल में सी पॉइंट है, जहाँ से एंट्री स्टार्ट हुआ वो ए पॉइंट है, जहाँ से एग्जिट स्टार्ट हुआ वो बी पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और टोटल हेड कितना आ रहा है, डाटा हेड क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस डायग्राम को आप अपने कॉपी में अलग साइड में नोट कर लो, ताकि आगे की चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो इसी से रिलेटेड होगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ए बी एंड सी ये पॉइंट जो था वो दिया हुआ है, प्रेशर हेड एट ए एच डब्ल्यू ए, प्रेशर हेड एट बी एच डब्ल्यू बी एंड प्रेशर एट सी एच डब्ल्यू सी, डैटम हेड ए पे
माइनस जेड ए, बी पे माइनस जेड बी एंड सी पे माइनस जेड सी। टोटल हेड एच डब्ल्यू ए माइनस जेड ए है ना, बी पे एच डब्ल्यू बी माइनस जेड बी एंड सी पे एच डब्ल्यू सी माइनस जेड सी, ये जो है हमारा निकल जाएगा। सो जो हाइड्रोलिक हेड है अंडर विच फ्लो होगा टेक्स प्लेस करेगा वो इक्वल होगा टोटल हेड एट ए माइनस टोटल हेड एट बी। सो एच डब्ल्यू ए माइनस जेड ए माइनस जीरो। सो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक हेड होगा वो इक्वल टू एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल टू एच हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं क्विक सैंड के बारे में। क्विक सैंड क्या है, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सैंड, ये कोई सैंड का प्रकार नहीं है, बालू नहीं है कोई, बट अ फ्लो कंडीशन इन कोहेजन लेस सॉयल मास, ये कोहेजन लेस सॉयल मास का में जो वाटर का जो फ्लो होता है वो फ्लो का एक कंडीशंस है। व्हेन इफेक्टिव प्रेशर इज रिड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण से जो इफेक्टिव प्रेशर है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। इट जनरली अकर्स इन फाइन सैंड एंड कोर्स सिल्ट, फाइन सैंड या कोर्स सिल्ट में क्विक सैंड कंडीशन जो है हमें देखने को मिलता है। इट इज़ नॉट फाउंड इन क्ले, क्ले में इस क्विक सैंड कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलता, एंड कोर्स में और ना ही हमें ग्रेवल में देखने को मिलेगा, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ किस में, तो फाइन सैंड और सिल्ट में जो है हमें क्या देखने को मिलता है, क्विक सैंड कंडीशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वह ग्रेडियंट होता है जहाँ पे क्विक सैंड कंडीशन जो है आकर होना स्टार्ट हो जाता है, या जिस कंडीशन पे क्विक सैंड होना स्टार्ट होगा या होगा उसी को जो है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं, या फिर इसको हम लोग जो है पाइपिंग ग्रेडियंट या फ्लोटिंग के नाम से जानते हैं या बर्स्टिंग ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। IC इज इक्वल टू जी माइनस वन बाई वन प्लस सी जो है आपका होता है। IC इज इक्वल टू जी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि है 2.65 माइनस वन बाई वन प्लस 0.65। सी जो है ये आपका कांस्टेंट है, तो ये जो है यहाँ पे जब सी इज इक्वल टू लिख दे 0.65 तो ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर जो है ये हमें वैल्यू देगा, किसके लिए, फॉर फाइन सैंड एंड सिल्ट के लिए। फॉर क्विक सैंड कंडीशन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट शुड ऑलवेज बी स्मॉलर देन क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से हमेशा कम होना चाहिए फॉर क्विक सैंड कंडीशन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तभी होगा। उसके बाद अब बात करते हैं लैपलाज इक्वेशंस एंड फ्लो नेट, है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, इससे भी इक्वेशंस कई बार पूछ दिया जाता है। लैपलाज इक्वेशन एंड फ्लो नेट, इफ सीपेज टेक्स प्लेस इन टू डायमेंशनल, दो डायमेंशनल में अगर सीपेज हो रहा है, इट कैन बी एनालाइज यूजिंग लैपलाज इक्वेशंस विच रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ एनर्जी हेड इन एनी रेजिस्टिव एरिया, कोई भी रेजिस्टिव एरिया में जो एनर्जी लॉसेज हो रहा है तो उसको एनालाइज करते हैं किसकी मदद से, लैपलाज इक्वेशंस की मदद से, जब टू डायमेंशन में सीपेज हमें देखने को मिलता है तब। तो इक्वेशन क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। तो ये रहा आपका इक्वेशन, डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल के एक्स इज इक्वल टू के वाई, एंड फॉर नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए हो जाएगा के डेल एस के इंटू डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू डेल स्क्वायर एच बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, किसके लिए, नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए। द सॉल्यूशन ऑफ लैपलाज इक्वेशन बाई ग्राफिकल मेथड इज नोन एज फ्लो, है ना, फ्लो नेट विच रिप्रेजेंट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम या फ्लो लाइन, है ना, स्ट्रीम लाइन या फ्लो लाइन का जो है रिप्रेजेंटेशन देता है कौन,
तो जब ग्राफिकल सॉल्यूशंस होता है हमारा लैपलास इक्वेशंस का, तब वो फ्लो नेट जो है देता है, जो कि इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन का डिस्क्रिप्शंस होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है नॉर्मली एंड परपेंडिकुलरली, है ना, नॉर्मली एंड परपेंडिकुलरली जो है क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को। ये आप ग्राफ की मदद से यहाँ पे देख पाओगे, जो फ्लो लाइन है उसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इक्विपोटेंशियल लाइन है उसको फाई से रिप्रेजेंट हम लोग जो है करते हैं। और फाई और साई दोनों के बीच में, दो फाई और दो साई मतलब इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो बचेगा उसी को जो है फ्लो नेट कहा जाता है। NF है ना, नंबर ऑफ NF ये इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लो लाइन माइनस वन, और ND नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन माइनस वन, ठीक है, ये NF और ND जो है हमारा निकलेगा। देयर कैन बी नो फ्लो क्रॉस फ्लो लाइन एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल लाइन, हमेशा इक्विपोटेंशियल लाइन के नॉर्मल रहेगा। द फ्लो है ना, द फ्लो फील्ड मीन अंडर एरिया बाउंडेड बाई टू इक्विपोटेंशियल लाइन एंड फ्लो लाइन इन आइसोट्रॉपिक सॉइल आर अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर विच मे बी लीनियर एंड कर्वी लीनियर जो है आपका देखने को मिलेगा, या तो लीनियर होगा या कर्वी लीनियर जो है हमें मिलेगा फ्लो फील्ड में, जब भी हमारा आइसोट्रॉपिक कंडीशन या आइसोट्रॉपिक सॉइल वाला पार्ट होगा। तब जो हेड लॉस होगा थ्रू ईच फील्ड वो बराबर होगा, है ना, या फिर इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना, ND इक्विपोटेंशियल ड्रॉप और NF जो है हमारा देता है फ्लो चैनल। तो फ्लो चैनल निकालने के लिए यानी NF निकालने के लिए नंबर ऑफ फ्लो लाइन माइनस वन, एंड इक्विपोटेंशियल ड्रॉप यानी ND निकालने के लिए नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन माइनस वन जो है हमें मिलेगा। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लो नेट। फ्लो नेट का एप्लीकेशंस, तो पहला कि सीपेज डिस्चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, दूसरा कि जो एग्जिस्टिंग ग्रेडियंट है उसको डिटरमाइन करेंगे, तीसरा सीपेज प्रेशर को डिटरमाइन करेंगे, चौथा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपलिफ्ट प्रेशर को डिटरमाइन करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं फेरेटिक लाइन। फेरेटिक लाइन जो है इज द टॉप फ्लो लाइन बिलो विच सॉयल इज फुल्ली सैचुरेटेड एंड सीपेज टेक्स प्लेस। माने फेरेटिक लाइन वह लाइन होगा जो फुल्ली सैचुरेटेड सॉयल का जो सबसे ऊपरी परत होगा उसको जो है फेरेटिक लाइन कहेंगे, जहां से सीपेज स्टार्ट होना स्टार्ट करेगा। द प्रेशर विलो फेरेटिक लाइन इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो प्रेशर होगा विलो फेरेटिक लाइन वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, एंड प्रेशर एवर फेरेटिक लाइन वो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है होगा। तो आज का सेशंस में अपना आज का ये जो परमिबिलिटी चैप्टर्स है ये समाप्त होता है, और आगे की जो चैप्टर्स है उसमें शियर स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल का। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऑडियर तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ओनली 20% ही स्टूडेंट्स होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप भी अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सके, और अपने जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो, अगर आपको ही खराब लगेगा तो आप कैसे शेयर कीजिएगा। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के साथ या अपने दोस्त को रिकमेंड ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली लेक्चर्स में। थैंक यू।